जैसे माही भाई को हम लोग देखते हैं, वो जब बैटिंग पे जाता है मतलब ठीक है, इंडिया का चांस है पूरा अपना ही है मैच, तो वैसे ही मैं अपना फील हर मतलब मैं जिधर भी बैटिंग करने जाऊँ मेरा सराउंडिंग ऐसा ही मेरे को देखे, मैं वही चाहती हूँ। आत्मविश्वास मेरा गुरु, मेहनत की कमाई मेहनत से करूं, सीधा रास्ता चुनूं, 100 बार में गिरूं तो हर बार में उठूं, सर झुकने का सोचना कभी मैं रखूं। मेरा ऑलमोस्ट हर ग्लव्स में अभी उनका साइन है, आराम से सब लाइन पे बाहर पीछे सब खड़े हैं, मैं आराम से कॉन्फिडेंस के साथ चली गई सर से मिलने, सर और इतना ही उसके बाद सब आ गए, बट मेरा फोटो उसमें थोड़ा सा हेजी है क्योंकि मैं कैमरा पे मेरा ध्यान था ही नहीं। मैच के बाद मिताली दी ने हम लोग के 2-3 प्लेयर्स को उनका पर्सनल इक्विपमेंट शेयर किए, पैड शेयर किए, ग्लव शेयर किए, और आई एम वन ऑफ देम, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था क्योंकि मैं मिताली दी को बहुत मानती हूँ। शेफाली वर्मा ने जैसे कहा है लड़कों के साथ वो प्रैक्टिस करके, तो मेरे में भी जितना आया है वो बॉयज के साथ प्रैक्टिस करके आया। मेरा फिलहाल प्लान यही है सर कि जब भी मेरे को मौका मिले, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं ये खुद पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपना तो बेस्ट दूँ ही, और मैं अपना टीम को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करूँ कि मेरा टीम जीत के वो विक्ट्री वाला जो मोमेंट है वो क्रिएट हो। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी, और आज हमारे साथ बड़े ही एक खास मेहमान है क्योंकि आप लोग भी बड़ा रिक्वेस्ट करते हो यार कि विमेंस क्रिकेट पर भी कवरेज होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं जैसे आप मेंस क्रिकेट में करते हो वैसे विमेंस क्रिकेट में भी होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ इंद्राणी रॉय है जो इंग्लैंड जाने वाली विमेंस टीम की तीनों फॉर्मेट में पिक हुई है और जबरदस्त डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रही है। इंद्राणी सबसे पहले ये बताइए, पासपोर्ट आपके पास नहीं था तो पासपोर्ट आपका लग गया है इंग्लैंड जाने के लिए? हाँ जी सर, पासपोर्ट लग गया है, वही बहुत टेंशन पे थे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी कलकत्ता में लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत टेंशन में थे, बट हो गया, अरेंज हो गया है। और फाइनली जब इंडिया कॉल अप आया आपके लिए, पहला कॉल अप था और तीनों फॉर्मेट्स की टीम में आप पिक हुई, तो किस तरीके से आपका मतलब घर में क्या माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कहानी भी है कि आपने अकेडमी जाते हुए देखा कि यार लड़कियां भी जाती हैं खेलने, फिर आपने सोचा कि मैं भी जाऊंगी, फिर अकेडमी ढूंढी, घर से जो सपोर्ट मिला, तो घर में कैसा रिएक्शन था जब पता चला? बहुत 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 खुश थे, बहुत खुश थे। अनफॉर्चुनेटली मैं घर से अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए अलग हूँ लॉकडाउन के चलते, यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस अच्छा मिलता है, तो फिर मैं फ़ोन पे बात किया, मम्मी पापा दीदी, मेरे दीदी भी साथ में थी, तो वो लोग बहुत खुश थे, मैं बता नहीं सकती कितने खुश थे, बहुत खुश थे। अच्छा, आपका और महेंद्र सिंह धोनी का जो इंटरेक्शन रहा उसकी चर्चा तो हर जगह अभी आपको नजर आ ही रही है, लेकिन मैं पहले शुरू करना चाहूंगा आपका जो रीसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस रहे, आपका जो विमेंस वनडे टूर्नामेंट रहा जिस तरीके से आप उसमें लीडिंग रन स्कोरर थी, फाइनल तक झारखंड की टीम जाती है, उसमें आपके 200 थे, उससे पहले झारखंड की जो T20 लीग हुई उसमें आप फाइनल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, तो इस जबरदस्त फॉर्म के बारे में बताइए जिस तरीके की आपकी बल्लेबाजी चल रही है। सर बस यही है कि इंटेंशन मेरा हमेशा से रहा है कि टीम को अच्छी जगह पे लेके जाऊं, और फॉर्चुनेटली आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ हर एक प्लेयर में वो आता है वो बात, तो ये शायद मुझ में थोड़ा बहुत आ रहा है और मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे माही भाई को हम लोग देखते हैं, वो जब बैटिंग पे जाता है मतलब ठीक है, इंडिया का चांस है पूरा अपना ही है मैच, तो वैसे ही मैं अपना फील हर मतलब मैं जिधर भी बैटिंग करने जाऊँ मेरा सराउंडिंग ऐसा ही मेरे को देखे, मैं वही चाहती हूँ। अच्छा, काफी आपके नाम की चर्चा इसलिए हो रही है कि झारखंड से अभी आप खेल रही हो, विकेट कीपर बेटर हो, महेंद्र सिंह धोनी की तरह वही अंदाज भी है बैटिंग का, अटैक करके खेलना, और आपने जैसे बोला कि वो बड़ी चीज है जो महेंद्र सिंह धोनी का भरोसा था कि जैसे आपने बोला कि जब तक धोनी क्रीज पर होते थे तब तक लगता था कि भाई इंडिया मैच जीतेगी, तो आपकी भी यही सोच है और अप्रोच है कि भाई चाहे मैं झारखंड के लिए खेल रही हूँ या फिर जो T20 लीग में बोकारो के लिए आपने खेला या फिर अब इंडिया के लिए खेला, तो वो भरोसा मुझे भी जीतना है कि जब तक इंद्राणी क्रीज पर है इंडिया मैच जीतेगी। हाँ जी बिल्कुल, यही 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 भरोसा, बस मुझे जीतना है, इतना इतना खुद में भी इतना लाना है कि मैं इसको पूरा कर सकूं। जैसे माही भाई का है, माही भाई का जैसे कॉन्फिडेंस है, वो खुद भी जाते हैं, वो 7 डाउन में जाए 8 डाउन में जाए उनको डाउन मैटर नहीं करता, वो ओपन भी किए पहले मतलब फर्स्ट डाउन भी आए हैं, तो वो बस जीतने के लिए जैसे जाते हैं, मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी 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 स्टेट को, अपनी कंट्री को जीत के तरफ ही लेके जाऊँ। और इंद्राणी आप हैं बंगाल से, आपने एज ग्रुप क्रिकेट भी बंगाल से शुरू करी, फिर वो स्विच के ऊपर आप बताएंगे जो आपने बंगाल से झारखंड स्विच किया और कैसे उसने आपके जो क्रिकेटिंग करियर को है
उसको बदल कर रख दिया? आई थिंक सर, मेरा जर्नी फिलहाल तो ऐसा रहा कि मैं 3 साल बंगाल से खेली, फिर मैं 1 साल बंगाल से ड्रॉप हुई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दूसरा स्टेट में जाकर ट्राई करते हैं, क्योंकि बंगाल में कीपर्स हैं जिनको प्रॉपर चांस मिल रहा है, और मैं एज अ विकेट कीपर को मुझे उतना नोटिसेबल नहीं था. मैं इतना नोटिसेबल नहीं थी एज अ विकेट कीपर. एज अ बैट्समैन मैं थी, मैं NCA किया बंगाल से, मैं हाईएस्ट रन गेटर थी बंगाल के 2016-17 में. 23 भी किया, 2 days भी किया बंगाल से, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मैं मेरा कीपिंग भी हाईलाइट हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझमें कीपिंग भी है बैटिंग के साथ. तो मैं बस डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेलने के लिए झारखंड गई थी. वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस रहा और झारखंड के जो ऑफिशियल थे, मैं कैसे बताऊँ, मेरे को खुद वो अपने ऑफिशियल रूम में लेके गए थे. वहाँ पे जाके मेरे चर्चे हुए, फिर वो लोग मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सराउंडिंग बन रहा है, ये मेरे लिए सूटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा. मैं यहाँ से अगर खेलूंगी, मुझे मुझे मुझमें दिखेगा, क्योंकि उन लोगों का भरोसा दिख रहा था मुझमें, सारे ऑफिशियल्स का. मैं नाम लेना चाहूंगी PN सिंह सर का, उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी सपोर्ट किया है. चंचल सर थे वहाँ पे, पिंटू सर थे वहाँ पे, मेरा कैप्टन थी निहारिका प्रसाद, मेरी झारखंड टीम की कैप्टन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. तब जाके वहां से मेरा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था. झारखंड से खेल लिया. ये बीच में ये जो डिस्ट्रिक्ट मैच हुआ था वहाँ पे मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने. आपने जैसे बताया कि महेंद्र सिंह धोनी का किस तरीके से इंपैक्ट रहा है, इन्फ्लुएंस किया है उन्होंने आपका करियर, तो बचपन से हीरो वही थे आपके, क्योंकि विकेट कीपिंग बैटिंग. आई थिंक मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ था, जब से एक्चुअली हम लोग उतना टीवीज उतना नहीं, स्कूलिंग रहता है, ये रहता है, तो जब से मेरे में आया ये क्रिकेट वाला, तब से माही भाई बहुत ज्यादा, मतलब माही हर जगह माही भाई है ना, सचिन, माही, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ सर, यही लोग रहते थे. बट मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट किए माही सर का कीपिंग, माही सर का थ्योरी, माही सर का एवरीथिंग, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ. जो जोनल कैंप हुआ था आपका एज ग्रुप क्रिकेट में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, जब पहली बार महेंद्र सिंह धोनी से मिले, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप अपने हीरोज से मिलते हो तो लगता नहीं है कि यार ये सामने खड़े हैं या कैसे बात करूं, तो 2016 का वो इंसिडेंट बताइए. आपके इंस्टाग्राम पर फोटो भी है जब पहली बार आप मिले. हाँ सर, उस टाइम हम लोग का ZCA चल रहा था, मैं बंगाल से खेल रही थी, इस जोन का नहीं, ZCA चल रहा था प्रॉपर. तो माही भाई उधर जब भी आते हैं, तो ये मैं कंटिन्यूअसली देख रही हूँ. मतलब मैं अभी हूँ झारखंड से होके, बट पहले भी मैंने कैंप किया बहुत बार रांची में. तो हर बार जब माही भाई आते हैं, तो ही मेक श्योर कि हम लोग के लिए भी माही भाई टाइम निकाले उनका बिजी शेड्यूल में से. तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था, उन्होंने हम लोग के लिए टाइम निकाला था. तो सर ने जो मैनेजर सर था, मनोज सर था, तो सर ने सबको बोला गर्ल्स अपना लाइन पे रहना, एकदम ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना, क्योंकि वो माही भाई प्रैक्टिस करके अभी आए हैं. तो हम लोग एकदम पूरा लाइन पे आ गए थे. तो पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको देखी, मैं खुद चली गई आराम से, सब लाइन पे बाहर पीछे सब खड़े हैं, मैं आराम से कॉन्फिडेंस के साथ चली गई सर से मिलने. सर और इतना उसके बाद सब आ गए, बट मेरा फोटो उसमें थोड़ा सा हेजी आया, क्योंकि मैं कैमरा पे मेरा ध्यान था ही नहीं कि कौन मेरा. अभी भी सर के साथ कोई फोटो नहीं है, मैं कभी भी मैं उनसे मिलती हूँ, पता नहीं मेरे को कैमरा का थॉट्स आता ही नहीं है कि एक फोटो ले लेंगे, घर पे दिखाना है, इधर दिखाना है, ऐसा नहीं आता. वो भी जो फोटो है वो भी मेरा दोस्त ने लकीली ले लिया था, वैसा हुआ था. तो ऐसा सिनेरियो था. अच्छा, तो उस टाइम आपने ग्लव साइन करवाया था उनसे ना? हाँ जी, उस टाइम हमने ग्लव साइन कराया था. तो वो आपने संभाल के कहीं पर रखा होगा अपने लिए? बिल्कुल, मेरा ऑलमोस्ट हर ग्लव्स में अभी उनका साइन है. मतलब तो जो मैच में यूज करते हो आप सेम ग्लव्स? अभी फिलहाल ये कोविड के चलते सर के साथ आफ्टर आई थिंक 2020 में हम लोग का जब 23 का चल रहा था, उसी टाइम बस मुलाकात हुआ, तो उसके बाद तो मुलाकात हुआ नहीं, वरना जब भी भैया आते हैं मेरा साइन तो मैं तो ले ही लेती हूँ, मेरा कीपिंग ग्लव्स में उनका साइन तो रहता ही है. तो जो आखिरी बार आप मिले और उस टाइम, क्योंकि शुरुआत में 2016 में जैसे आप बता ही रहे हो कि बड़े छोटे थे, समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, बट आखिरी बार जब बात की होगी तो गेम को लेकर बात की होगी, तो हाँ, आखिरी बार जब बात हुआ था तो मैं एज अ विकेट कीपर थी,
तो मेरा जो कोच था, हम लोग जस्ट मैच खेलने जा रहे थे 23s के, तो फिर मेरा हमारे जो कोच थे सीमा सिंह मैम, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था माही सर से, एज इन के ये हमें मेरा टीम का कीपर है। तो फिर मैं गई थी उनको देखने, पता नहीं मेरा मतलब खुद से आ गया सर, कुछ भी स्किल्स जो मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपना अपना कीपिंग को। तो सर ने यही बोला कि कीपिंग बहुत इजी होता है, हम लोग ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो जो 5 मीटर्स का होता है, ये सामने जब बैठेंगे तो 5 मीटर्स का है, उसका प्रैक्टिस क्या करो अच्छे से, ऐसा क्या करो कि 100 में अगर क्वेश्चन आए 100 तुम्हारा है, ऐसा है कि 100 तुमको तो पता ही है 100 ही आने वाला था, ऐसा प्रैक्टिस करो। पीछे अगर 10 यार्ड्स का है तो 10 यार्ड्स का भी ऐसे प्रैक्टिस करो, बस उतना ही है, अपना काम उतने का ही है, उसके बाद आता है तो वो हो जाता है। यू कांट प्लान कि वो वैसे पकड़ेंगे वैसे करेंगे। जैसे माही भाई फेमस है क्यों, क्योंकि सर का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विकेट कीपिंग के लिए। तो सर ने ऐसा बोला था कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है वो हो जाता है जब अपना ये वाला जो बेसिक्स है उसको जब आप क्लियर कर लोगे। तो आई थिंक वो वाला जो चीज है वो मैं कोशिश अभी भी कर रही हूँ कि मैं उसको ही लेके चलूँ। मैं कभी भी कीपिंग का प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे में ऐसा नहीं होता है कि इसको ये हार्ड वाला कैच को ऐसे पकड़ना है वैसे पकड़ना है, वो जो बेसिक जो स्टिक टू द बेसिक जो माही भाई हमेशा रह करते हैं वही कोशिश करती हूँ फॉलो करने का। अच्छा, रीसेंट मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपकी वन डे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही डोमेस्टिक, बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस थी, रन सबसे ज्यादा करे, फाइनल मैच रेलवे के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम, उसमें इंडियन टीम के लेजेंड सारे खेल रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए कि आपने भी रन करे, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट फेवर में नहीं आए झारखंड के, आपकी परफॉर्मेंस रही और मैच के बाद जो कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, और अब तो ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे आप उन सबके साथ। हाँ जी हाँ जी, ड्यूरिंग द मैचेस वैसा नहीं था कि इंडियन टीम रेलवेज है, क्योंकि वैसा अगर सोचो, मेरा पर्सनल नहीं था, क्योंकि वैसा अगर सोचोगे तो प्रेशर आएगा, वो अननेसेसरी प्रेशर होंगे। तो मैं एज इन कि मेरा उधर मेरा जो कोच है उन्होंने भी हम लोग का टीम मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ था, जो मेरा पर्सनल थॉट था कि वो भी बैट बॉल से खेलेंगे हम भी बैट बॉल से खेलेंगे, तो जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा, तो वही थ्योरी लेके चली थी। रन थोड़े से कम हुए तो हम लोग हार गए थे झारखंड वो रेलवे से, अगर हम लोग भी अच्छा परफॉर्म करते तो बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटिव मैच होता। बट मैच के बाद मिताली दी ने हम लोग के 2-3 प्लेयर्स को उनका पर्सनल इक्विपमेंट शेयर किए, पैड शेयर किए, ग्लव शेयर किए, और आई एम वन ऑफ देम, तो मैं मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था, क्योंकि मैं मिताली दी को बहुत मानती हूँ, बिकॉज एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया वुमेन्स क्रिकेट तब से मैंने मिताली दी का एज अ बैट्समैन, मैं बैट्समैन हूँ, तो मिताली दीका और MS माही भाई का फैन रही हूँ। ऑल्दो झूलन दी भी अपना, मैं कलकत्ता से हूँ तो हर जगह झूलन दी का पोस्टर हर जगह, तो हम लोग झूलन दी के साथ प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और मैं माही ऐसा हुआ। आगे अब देखेंगे इंग्लैंड का दौरा है, एक बड़ा एक इवेंट है ना, देखिए टेस्ट भी खेल रहे हैं काफी लंबे अरसे बाद, विमेंस टीम टेस्ट खेलेगी, फिर वनडे में भी आप हैं, T20s में भी आप हैं, और आगे जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है, तो कितना बड़ा एक मौका मानती है कि अगर यहाँ पर परफॉर्मेंसेज आपने जैसे डोमेस्टिक में लगातार किया है, इंग्लैंड में मौका मिलने पर अगर वहां परफॉर्मेंस करोगे तो आपका वो केस आगे के लिए भी बनेगा। हाँ जी सर, मैं जैसे मेरा डोमेस्टिक का प्लान रहा है, मैं इतना लंबा का नहीं सोचती हूँ, बहुत जन सोचते हैं उनका सक्सेसफुल भी होता है, लाइक मेरे को मेरा सिस्टम, जैसे मेरा सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं सामने जो मेरा आ रहा है उस पर मैं ध्यान देती हूँ, उसमें अगर होगा तो बाकी हो जाएगा, मेरा ऐसा बिलीव है। तो वही है मेरे को, मेरा फिलहाल प्लान यही है सर कि जब भी मेरे को मौका मिले, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं ये खुद पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपना तो बेस्ट दू ही, और मैं अपना टीम को इतना कंट्रीब्यूट करूं कि मैं मेरा टीम जीत के वो विक्ट्री वाला जो मोमेंट है वो क्रिएट हो। और इंद्राणी एक चीज मैं पर्टिकुलरली ये पूछना चाहूंगा कि हम देखें जितने भी अपकमिंग जो हम देखते हैं कि बैटर हो चाहे बॉलर्स हो, जब वो आ रहे हैं स्पेशली बैटर्स का अप्रोच एक अलग है, अटैकिंग जो जिस तरीके से खेलते हैं, शफाली का नाम आता है, ऋचा घोष का भी नाम आता है, वो भी अगेन कीपिंग वो दोनों भी करते हैं, बैटिंग अग्रेसिव करती है, तो ये चेंज किस तरीके से आया इंडियन क्रिकेट में, और साथ साथ जैसे शफाली का हमें पता है कि वो जब ट्रेन कर रही होती है अपना प्रैक्टिस कर रही होती है तो हरियाणा में लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस, लड़कों के साथ प्रैक्टिस, तो आपका भी ऐसा कुछ रहता है? हाँ जी सर, मैं भी लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, इनफैक्ट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ जो खुद अपना पर्सनल फर्स्ट डिवीजन खेल रहे हैं, बंगाल खेल रहे हैं, तो वो लोग अपना प्रैक्टिस में मेरे को मेरा कीपिंग के लिए मेरे को बुलाते हैं, मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं, और वहीं से स्टार्ट हुआ। आई थिंक मेरे में चेंजेस भी उन लोग के मतलब ये जो मैच को समझने का ये सब उन लोग के चलते आया है। मेरा ये फ्रेंड्स ग्रुप है छोटा सा, तो उन वो बैटर्स को देख देख के मैं उनसे सीखती आ रही हूँ,
तो सेम सेम थ्योरी है जैसे शेफाली वर्मा ने जैसे कहा है लड़कों के साथ वो प्रैक्टिस करके, तो मेरे में भी जितना आया है वो बॉयज के साथ प्रैक्टिस करके आया है। जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया, हमारा भी जैसे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स यारी, तो उसमें हम यारी का जिक्र हमेशा करते हैं जब भी हम किससे बातचीत करते हैं। आप अपने ऐसे यार बताएंगे कि जो बहुत ज्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट रहे हैं अभी तक की आपकी जर्नी में, क्योंकि आपने भी जैसे स्टेट स्विच किया नई जगह जाकर, फिर थोड़ा होता है कभी कभी यार वो अपनापन, दोस्त होते हैं यार होते हैं, तो फिर भी आप एक कम्फर्टेबल माहौल में रहते हो। हाँ जी हाँ जी। सर मेरा बंगाल से यहाँ से कलकत्ता से दो तीन ऐसे दोस्त है जो मेरे को पूरा सफर पे साथ दिया है। अभी भी जैसे कल को अगर मैं बोलूंगी प्रैक्टिस के यार कहीं पे भी अरेंज करा दो प्लीज, तो ऐसा है कि वो जल्दी से अपना काम छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है मेरा अभी नीड है प्रैक्टिस का। तो ऐसा वाला मेरा दोस्त ग्रुप है जो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक मेरा परफॉर्मेंस का मैंने सोशल मीडिया में मैंने जिक्र किया है ऑलरेडी कि मेरा परफॉर्मेंस का 70% उनको जाता है। लाइक ऐसा उनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेरे 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 मुझ में। और फैमिली सपोर्ट, क्योंकि आप माता जी का जिस तरीके से रोल रहे हैं आप उनको बड़ा मानते हैं कि जिस तरीके से आपने बचपन से उन्हें देखा कि यार मदर मेरा इस तरीके से जो मदर मेरी काम कर रही हैं और हमें कुछ बेहतर फ्यूचर देना चाहती हैं, वो कितना बड़ा रोल रहा? आई थिंक पूरा रोल, क्योंकि एक होता है ना एक ग्रोइंग एज में आप जो सीखते हो वो मैटर करता है। आप सक्सेसफुल, अभी मैं नहीं मानती मैं सक्सेसफुल हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि मेरे मम्मी ने जो मुझे सिखाया है वो मैं ट्राई करूँ अभी भी इनपुट करने का। वो जैसे वो घर संभालती है बाहर संभालती है, बीन अ वुमन एज वेल एज अब हम लोग का फाइनेंशियल चीजें मम्मी देखती है ज्यादा, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और वो ग्रोइंग एज में मुझे ऐसा चीज दिखने को मिला और वही चीज को मैं लेके जाना चाहती हूँ पूरा लाइफ तक, कि यही चीज को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, यही हार्डवर्क यही डेडिकेशन। अच्छा, आपको एक बहुत शौक भी है पोइट्री का भी, आप लिखती भी हैं, रैप भी आप करती हैं, रैप लिखती भी हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पे आपकी पोइट्रीज तो बड़ी देखी, रैप एक दो मैंने सुने जो आपने डाल रखे अपने इंस्टाग्राम पर, तो अगर कोई एक रैप आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपना जो टैलेंट है क्रिकेट के अलावा भी वो अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर। सही, टैलेंट नहीं, बस मेरा अच्छा टाइम कट जाता है ना, तो वैसे ही टाइम कटता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, तो ये ऐसा है, भीड़ भीड़ में नहीं, भीड़ से मैं नहीं, दल दल वाले रस्तों में चलता नहीं, जो भी हूँ वैल्यू करूँ, आत्मविश्वास मेरा गुरूर, मेहनत की कमाई मेहनत से करूँ, सीधा रास्ता चुनूं, 100 बार मैं गिरूं तो हर बार मैं उठूं, सर झुकने का सोचना कभी मैं रखूं, लंबी दौड़ का मैं घोरा है खून में जुनून, छोटे छोटे कदम से हर सीढ़ी मैं चरूं, हर सीढ़ी मैं चरूं। वाह, छोटा सा छोटा सा छोटा सा बहुत तगड़ा। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं है, मतलब मैं सब कुछ करती रहती हूँ, जैसे मूवीज देखना, फ्रेंड्स के साथ सब कुछ ये एकदम, बट मैं जब अकेले रहती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं भी लिख सकती हूँ। एक्चुअली आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे नहीं पता था मतलब मेरे जो ग्रैंड पापा जो मेरे, हाँ, तो वो भी पोएट है। तो जब से मुझे पता चला वो भी पोएट है, पता नहीं मेरा शौक चला गया कि शायद मैं भी कर सकती हूँ। वो बंगाली, हाँ, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के और वो लिखते, तो मेरे को पता नहीं ऐसे ही लगता है, तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ लिखती हूँ, फिर जो होगा हो। अच्छा लिखती है, मैंने पढ़ा भी है जो आपने लिखा है और रैप भी आपने जबरदस्त सुनाया, और मतलब वही है कि रियलिटी और जो आपका स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं आपको एक मीडियम मिल जाता है कि भाई आप उसको एक्सप्रेस करते हो। रिलेट कर पाती हूँ तो मैं कभी कभी लिख देती हूँ, कभी कभी सोशल मीडिया में शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है, और इंद्राणी हम यही चाहेंगे आप जो है अपना दोनों तरफ का हुनर, लिखने का भी और जो आपका बैट और ग्लव्स के साथ भी है, इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और जो आपकी परफॉर्मेंसेज रही है उम्मीद यही है कि इंग्लैंड में आपको जैसे ही मौका मिले इसी तरीके से आप कंटिन्यू करें और जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दें, और बहुत जल्द जैसे आप खुद मिस कर रहे हैं कि यार माही भाई से बड़े टाइम से नहीं मिले, तो माही भाई से भी मुलाकात हो, थोड़ा और आप सीखें उनसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल।